128 HP लेजेंड 128 प्रिंटर के लिए हम फैक्स केबल बनाएंगे जो कि यहाँ पे लगा हुआ था। तो कौन सा हमें कंफर्टेबल केबल लेना चाहिए जिससे बन जाएगा ये, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, देखते रहिए। देखिए यहाँ पे एक फैक्स केबल लगता है इस कार्ड से लेकर इस कार्ड तक का, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ये केबल लगा हुआ था ऐसे इस टाइप से। चलिए इसको बनाते हैं फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है, लाइव। तो दोस्तों ये जो केबल होती है हमारा 1536 का जो CCD केबल आता है, स्कैनर का केबल होता है ये ऊपर वाला, ठीक है, 1136 का, तो ये सेम होता है। तो ये वाला जो हम एक बार इसको अटैच करके यहाँ पे चेक करेंगे, ये देखिए तो एकदम इक्वल है, बराबर है, आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये वाला आप इसका भी यूटिलाइज कर लोगे, इसमें स्कैनर में यूज हो जाएगा, और इसका है सीधा हम क्या कर लेंगे, इसको कट कर लेंगे यहाँ से, मतलब इसको खींच देंगे, ये क्या होगा एंड तक हम काट लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा केबल बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं अभी लाइव बना के दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो कृपया अंत तक बने रहिए और देखते रहिए, ओके। तो देखिए अभी मैं जैसे कि यहाँ पे लगाया और केबल भी बनाऊंगा। तो दोस्तों इसे क्या करना है, आपको ऐसे खींचना है, ठीक है। सीजर नहीं है तो आप खींच सकते हो, लेकिन सीजर से लास्ट में तो सीजर से ही कट करना होगा ऐसे। थोड़ा सा केबल बड़ा हो जाएगा, लेकिन टेस्टिंग हम कर सकते हैं और इसे लगा भी सकते हैं। और दोस्तों कैसा लगा ये ट्रिक जरूर बताइएगा, आप भी ज़रूर यूज करिए। तो हम सीजर से यहाँ से कट कर लेंगे सिंपली, ठीक है, ये देखिए, ओके। और यहाँ पे मेजरमेंट ले लेंगे कि हमारा जो भी एक्स्ट्रा होगा तो हम उसे कट कर लेंगे, तो बिल्कुल ओके है। अब चलते हैं स्कैनर में लगा के देखते हैं, सॉरी है, प्रिंटर में। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको कट करके यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे हमारा फिक्स हो चुका है केबल। थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन काम करेगी, ठीक है। और इसमें हम PCB में लगा लेंगे इस साइड से। तो देखिए कितना आसानी से हमने केबल बना लिया और दोनों देखिए छोर से लग चुका है, ठीक है। अब प्रिंटर को एक बार ऑन करके हम देख लेते हैं कार्टेज लगा के। तो दोस्तों अगर आपका प्रिंटर इंजन मूवमेंट नहीं कर रहा तो आपको निश्चिंत रहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे यहाँ से ऑन करेंगे, ऑन हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए इस तरह से ऑन होगा, बट यहाँ पे इंजन मूवमेंट नहीं हो रहा है, ओके। इसके दो रीज़न होते हैं, ये तो हमारा ये इंजन कंट्रोलर होता है, ये ख़राब हो जाता है और इसके साथ साथ भी मोटर भी शॉर्ट हो जाता है, तो उस केस में ये प्रॉब्लम आता है, देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर स्कैनर एरर 13 का एरर आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बंद करेंगे यहाँ से और स्कैनर की ये केबल लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ओके। ये सब सारे जो ट्रिक हैं किसी भी प्रिंटर में काम करते हैं, लेजर प्रिंटर जिसमें फैक्स कार्ड वगैरह रहता है, तो केबल इस तरह से आप कट करके बना सकते हैं दोस्तों। तो आप ऑन करते हैं, देखिए इंजन मूवमेंट नहीं कर रहा है, इंजन मूवमेंट करना चाहिए, अगर नहीं कर रहा है तो आपका ECU ख़राब है, उस केस में आपको ECU ये रिप्लेस करना होगा। 128 127 126 में भी सेम लगता है, इसमें RM2 और 7385 पार्ट नंबर है, यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है। तो ये 100% आप मोटर के साथ चेंज करिए तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं तो ECU बार बार शॉर्ट हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए, धन्यवाद।